जी छात्रों, इस वीडियो पर आपका विषय संस्कृत कक्षा आपका 9वीं त्रैमासिक परीक्षा सेट ए का आपका यहाँ पे देखिए पेपर पूरे संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से हमारे लिए संस्कृत का पेपर ला दीजिए। तो देखिए आपको इसमें निर्देश दिया गया है 3 घंटे का आपका 75 अंकों वाला पेपर। यहाँ पे आपको सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्नों के सामने देखिए इसमें अंक आपके दिए गए हैं। 6 नंबर का देखिए, सबसे पहले आपका इसमें उचित विकल्प आता है, क्या लिखा है, बालकाय इतस्मिन पदे का विभक्ति अस्ति प्रथमा द्वितीय तृतीया या फिर देखिए आपका चतुर्थी। तो आपका देखिए सिंपल सा आपको जो आंसर करना है यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए आपका चतुर्थी। ठीक है, आप आंसर करिएगा रामस्य इतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति चतुर्थी पंचमी सप्तमी या फिर देखिए षष्ठी। आंसर आपको देखिए षष्ठी करना है, राजे इतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति प्रथमा द्वितीय तृतीया या फिर देखिए आपका चतुर्थी। तो देखिए सिंपल सा आपको जो आंसर है राजे में आपका जो है यहां पे हो जाएगा देखिए, तो आपको आंसर देखिए इसमें आपको लगा देना है चतुर्थी। अवत इतस्मिन पदे लकार अस्ति, यानी अवत में आपका जो है कौन सा लकार है, जानते हैं आपका यहाँ पे भूतकाल होगा। भूतकाल को बोलते देखिए लिट आपका जो होता है भविष्य काल होता है, लट आपका वर्तमान काल, और यहाँ पे देखिए लोट यानी आपका चाहिए अर्थ में होता है, लंग लकार यानी आपका होता है देखिए आपका भूतकाल। और इसके बाद देखिए फलात इतस्मिन पदे का विभक्ति, फलात में देखिए कौन सा आपका विभक्ति है, तो आपका देखिए इसमें आपका है आपका पंचमी विभक्ति चतुर्थी द्वितीय तृतीय आपका नहीं होगा। इसके बाद चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आता है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 नंबर आता है, इसमें क्या दिया गया है, अधोलिखितेषु अव्ययम् नास्ति अत्र तत्र सर्वत्र। फिर देखिए आपका छात्र आंसर आपको जो करना देखिए इसमें आपका अत्र तत्र और सर्वत्र ये अव्यय है, लेकिन आपका छात्र जो है आपका यहाँ पे संज्ञा है। अब देखिए आपको इसमें रिक्त स्थान के क्वेश्चन आपको लिखने हैं, गच्छन्ति इतस्मिन् पदे कः धातु, देखिए तो आपको आंसर देखिए आपको इसमें गम धातु हो जाएगा। पास्यति इतस्मिन् पदे कलाकार, देखिए आपका इसमें जो है पास्यति में यहाँ पे आपका सिंपल तरीके से आपको जो लकार की बात करें तो देखिए आपको आंसर क्या करना है, लिट लकार आपको आंसर करना है आपका ये वाला। प्रचार्य इतस्मिन् पदे कौन सा उपसर्ग है, देखिए तो आपका इसमें प्र आपका हो जाएगा, आप इसमें प्र भरिएगा। इसी के साथ देखिए आपको पठित्व में कौन सा आपका प्रत्यय है, यहाँ पे आपका हो जाएगा तो प्रत्यय। ठीक है, आप आंसर तो करिएगा। इसके बाद तुमुन प्रत्यय, इसमें से कौन सा उदाहरण है, पठितवान है या फिर पठतुम है, तो आपका देखिए पठतुम आपका हो जाएगा, तुम में आपका देखिए लास्ट में तुम है लिखा है ना, आपका पठतुम हो जाएगा। और अधिकार इतस्मिन् पदे का उपसर्ग, देखिए अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अधि, तो आप आंसर जो है आपका इसमें अधि करना है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें आपका देखिए आपके सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। आमम का देखिए क्या हो जाएगा, आपका ये होता है रसायन यानी आपका मीठा होता है। पवन का देखिए पोधन आपका अन हो जाएगा। मनहरा देखिए आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे मनोहरा। और चधन एकाकिनी आपका हो जाएगा चैकाकिनी। और पीताम्बरा का हो जाएगा पीतम अम्बरम यशसा। और प्रचिंतम का देखिए आपका हो जाएगा आपका नवीनतम। ठीक है, चलिए एक शब्द में आपका उत्तर आता है यहाँ पे देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, सरसा रसाला कदा रसंती। तो आपको अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ बहुत सिंपल है, देखिए आपको एक वाक्य में जो उत्तर देना है यहाँ पे आपको कैसे देना है, यहाँ पे आपको देना है देखिए आपका बसंते। तो आप इसमें आंसर देखिए आप इसमें बसंते कर दीजिएगा। अगला देखिए स्वर्ण काका कान अखादत, तो आपको आंसर देखिए आपका यहाँ पे तंडुलान आपको ये आंसर दिखना पड़ेगा इसमें। और इसके बाद देखिए कुंभकारा घटान किमर्थ रचयति, आपको देखिए किसके लिए, तो जीव को पाजन के लिए यानी जीव का हेतु, तो आपको हे और आपको तो लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुद्र कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ भी आपका दरिद्रता नहीं होता है, तो आपका देखिए प्रिय। और इसके बाद वाक्य, इसके बाद आपका पदानी। ठीक है, आप आंसर जो लिख दीजिएगा, कवि का वादेतु वाणाम प्रार्थयति, तो आपको आंसर देखिए आपको इसमें विराम कर देना है। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट दिया है तुला कीदृशी आसीत, आप आंसर कर दीजिए, देखिए सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा लौह घटता। ठीक है, घटता आप इसमें आंसर ये कर दीजिए। इसके बाद देखिए शुद्ध अशुद्ध वाले आपको लगाना है सही और गलत के लिए 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए आपको दिखाते हैं आगे के आपके क्वेश्चन जो आपको इसमें दिए गए हैं, आपका ये रहा देखिए क्या दिया गया है इसमें देवेंद्र में, आपको बताना है कि आपका इसमें गुड़ संधि है, तो देखिए आपको सिंपल सा आपको जो है देवधन आपका इंद्र आपका होता है, देवधन इंद्र, तो इसमें आपको देखिए बिल्कुल आपका सत्य है आपका यहाँ पे, इसमें आपका गुड़ संधि होता है। इसके बाद देखिए विद्यालय है इतस्मिन् पदे की आपका दीर्घ संधि है, तो देखिए आपको विद्यालय में आपका क्या है आपका दीर्घ संधि है, आपको यहाँ पे सत्य करना है। सज्जन को देखिए क्या आपका सतधन
जन क्या इसका विच्छेद नहीं होता है, इसका विच्छेद सही है इसलिए, लेकिन आपको नहीं है तो आपको आंसर असत्य करना पड़ेगा, क्योंकि अगर होता इसमें लिखा होता कि क्या आपका सत धन जन आपका विच्छेद है तो हम आपको लिख देते सत्य लिख देते। पितरों में देखिए कि आपका समास बिगड़ा है, माता चा पिता चा होता है तो माता चा पिता यानी कि पितरों का होता है माता और पिता द्वंद्व समास का, तो आपका देखिए आपको इसमें क्या इसका आपका होता है तो देखिए आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट दिया गया है अव्ययीभाव का, आपका समास का उदाहरण यथाशक्ति नहीं है। भाई साहब यथाशक्ति आपका अव्ययी का है, यथा आपका जो है ना अव्यय वर्ड है, तो आपको इसमें असत्य करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इसमें लिखा होता कि आपका है तो बिल्कुल आपका होता, लेकिन आपका नहीं है पूछा गया कि आपका नहीं है तो आपको असत्य करना है। पीताम्बरा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है तो आपका देखिए आपको इसमें यहाँ पे सत्य करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए कवि का संबोधयति आपको इसका आंसर देना है, तो देखिए बहुत सिंपल सिंपल इनके आंसर हैं, यहाँ पे आपको आंसर जो है मैं आपको सभी आंसर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपका इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें सिंपल सा आपको आंसर कैसे करना है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका इसका आंसर, इसका आप आंसर कर लीजिएगा। देखिए आपका हो जाएगा कवि बाणी संबोधयति, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया स्वर्ण काका काम अखादत, तो आपका देखिए इसमें स्वर्ण काका तंडुलान अखादत आपको यहाँ पे ये आंसर करना पड़ेगा। अगला देखिए यहाँ पे जीमूत वाहना कस्य पुत्र आसीत, देखिए जीमूत वाहना जीमूत केतु पुत्र आसीत आपको ये उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए वित्तता छीणा की दर्शा भवती, तो देखिए आपको आंसर लिखना पड़ेगा इसमें, देखिए यहाँ पे 6 नंबर वाला क्वेश्चन वित्तता छीणा अक्षीणा भवती आपको ये उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपका 8वां प्रकृति के साम रक्षणाय वर्तते, क्वेश्चन 8 का देखिए आंसर प्रकृति प्राणी नाम रक्षणाय वर्तते आपका ये उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्या लिखा है वाला कदा क्रीडतुम अगच्छत, तो देखिए आपको यहाँ पे आपको आंसर कैसे करना है, तो देखिए आपको आंसर जो यहाँ पे लिख देना है बाला पाठशाला गमन वेला नाम क्रीडतुम अगच्छत, यानी जो आपका बालक था ना वो पाठशाला से आने के बाद यहाँ पे क्या है खेलता था। इसके बाद देखिए आपका पूछा गया है जीमूत वाहना आपका यहाँ पे की दर्शम आसीत, तो देखिए आपको आंसर जो है तो जीमूत वाहन कैसे था महान दानवीर था सर्वभूतानुकंपी आसीत आपको ये उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपका पूछा गया सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति, तो इसका आंसर देखिए 9 का आंसर आपका हो जाएगा सज्जना नाम मैत्री पुरा लब्धि पश्चात च बुद्धिमती भवति आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 10वां लोक रक्षाम कथम संभवती, तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ देखिए तो आपका हो जाएगा ये रहा आपका इसका आंसर, देखिए आपका लोक रक्षा वाले का आंसर कैसे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रकृति रक्षैव लोक रक्षा संभवती, तो क्वेश्चन देखिए आपको इसका मिल गया। और प्रकृति प्रमुख तत्वानी कानी संति, देखिए आपके पृथ्वी के प्रमुख आपके 5 तत्व होते हैं पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशम प्रमुख तत्वानी संति आपको ये उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपका इसमें प्रश्न का निर्माण करना है, कोई आपका 2 क्वेश्चन 11वें नंबर में देखिए सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, तो देखिए सूर्योदयात की जगह आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक वाले आपको यहाँ पे कुछ शब्द आपको लिखने पड़ेंगे। अगर मैं इसके आंसर की बात देखूँ तो देखिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन 11 का आंसर कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आपको इसमें लगा देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका मोदकानी पूजा निमंती रचितानी आसान, तो देखिए क्वेश्चन 2 का आंसर आपको यहाँ पे देखिए आप इसमें कर दीजिएगा कानी पूजा मित्रानी रचितानी आसन आपको ये उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है आपको कौन किसके प्रति कह रहा है, कोई आपको 2 ही करना है 2 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए सिंपल सा आपको जो आंसर इसमें करना है यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपको तीसरा आपको जो क्वेश्चन बचा था ना तीसरे क्वेश्चन को अभी आप प्रश्न आप क्वेश्चन मार्क बनाना है तो आप बना लीजिएगा चटका कस्मिन व्यग्रम आसीत, देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आप इसका आंसर यहाँ पे इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा देखिए पूरा आंसर, और इसके बाद क्वेश्चन आपको जो 12वां दिया गया है 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखिए आपको इसके पहले का आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा अहम तुभ्यम तंडूल मूल्यम दस्यामी, तो देखिए कौन किसके प्रति कह रहा है तो आपको आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा देखिए पहले वाले का, देखिए ये आपका लिखा है ना, देखिए आपका दूसरे वाले का इसमें आंसर तो आपका दूसरे वाले कौन किसके प्रति कह रहा है देखिए तो काका आपका बालिकाम प्रति आपका ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा, तो आप इसमें लिख दीजिएगा काका यहाँ पे इधर आपको काका लिखना पड़ेगा और इधर आपको लिखना पड़ेगा बालिका बालिकाम प्रति, ठीक है आप यहाँ पे ये कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए हा विधे किमिदम मया कृतम, तो देखिए अगर मैं इसमें आंसर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको जो है तो देखिए आपको इसमें जो है तपोदत्ता लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना है तपोदत्ता, और तपोदत्ता किसके प्रति कहा जाता है देखिए आपको हो जाएगा आत्मा नाम, तो यहाँ पे आपको आत्मा नाम
नम कर देना है। और इसके बाद देखिए आपको इसमें तंडुलान माँ भक्ष्या, ये किसके प्रति कौन कहा, तो आपका वालिका ने कहा था किसके प्रति, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा काकम प्रति, तो आप इसमें काकम प्रति आप इसमें आंसर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको देखिए यहाँ पे कहा और कम, ये आपका पहला हो जाएगा कह वाला, देखिए कह वाला लाइन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कम प्रति, तो आपको यहाँ पे कम, तो इस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 13वां, वाच्य परिवर्तन करना है आपको यहाँ पे, कोई आपको दो करने हैं, छात्रीय हस्ते कर्तृवाच्य में चेंज करना है, आम पुस्तकम पठामी कर्मवाच्य में, और रमा फलम खादती कर्मवाच्य में आंसर करना है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं इसमें क्वेश्चन 13वां का आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए ये रहा आपका पहला छात्रीय हस्यते, आपका इसका कर्तृवाच्य में आपको लिखना पड़ेगा छात्रा हसती, और अहम पुस्तकम पठामि कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो मया पुस्तकम पठ्यते इसका आंसर हो जाएगा, और रमा फलम खादती का कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो रम्या फलम खादते आपको ये उत्तर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या दिया गया है, प्रश्न पत्र समागतम श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात एकम शुभाष्टकम लिखत, तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे एक आपको श्लोक लिखना पड़ेगा, तो वृत्तम यत्नेन सरज्छेत वित्त मेति चयाति चा अक्षीरो वित्तः क्षीरो वृत्तस्तु हस्तो हतो हता, तो आपको देखिए ये आपको एक लिख देना है, इसमें आपको देखिए मात्र आपको यहाँ पे एक ही शुभाष्टकानि की बात कर रहा है, तो आप यह आंसर इसमें कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका 16 नंबर में पाठगता रिक्तसानी आपको पूरी पूर्ति करना है, तो देखिए आपको इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपको देखिए आपको 15वां देखिए पहले 15वां आपको पूछा गया है अशुद्ध कारक को आपको शुद्ध करना है, तो रामा पुस्तकम पठासी, तो आपको देखिए कैसे आपको शुद्ध करना है, यहाँ पे आपको देखिए आपको तीनों को देखिए वृक्षाम पत्राणी पतंती बालका कंदुकम क्रीडती, इसके अगर मैं आंसर की बात करूँ देखिए तो आपको पहले का लिखना है रामा पुस्तकम पठती करना है, और यहाँ पे वृक्षात पत्राणी पतंती आपको दूसरे में आंसर करना है, तीसरा देखिए बालका कंदुकेन क्रीडति, आपको ये तीनों का आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए 16वां, आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए आपको इसमें क्या भरना है, तपोदत्ता डैश डैश विद्या प्राप्तवान, तो आंसर देखिए यहाँ पे इसमें देखिए आपको जो आंसर करना है यहाँ पे तपश्चर्या, आप इसमें आंसर पहले वाले में देखिए आपको यहाँ पे तपश्चर्या करना पड़ेगा, दूसरा का देखिए कुंभकारा डैश डैश चैती, दूसरा आपका हो जाएगा आंसर आपका देखिए घटा, और तीसरा देखिए मल्लिका पूजार्थम सह पुत्र गच्छति, आपको इसमें आंसर देखिए आपको यहाँ पे विश्वनाथ मंदिरे, आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। देखिए तस् उद्याने डैश डैश आसीत, अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको इसमें आंसर करना पड़ेगा कल्पतरु वृक्ष आपका हो जाएगा। चौथा का देखिए आपका यहाँ पे इसके बाद देखिए 5वां आपका लिखा है गुड़ा गुड़गेसु, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे गुड़ा भवंती, ठीक है, आप इसमें आंसर गुड़ा भवंती कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए पूरे आंसर आपको मिल गए। अब क्वेश्चन देखिए 17वां, यहाँ पे घटना के अनुसार आपको इसे आपको क्रम में आपको जमाना है, ठीक है, ये आपका देखिए आपको इसमें चार दिए गए हैं, इसको आपको 2 नंबर क्वेश्चन कैसे आप करेंगे, सबसे पहले आप देखिए इसको लिखेंगे पहले नंबर पर, किसको लिखेंगे ये वाला, तो पहले नंबर में आप पहले इसे लिखेंगे, इसके बाद देखिए आपको दूसरे नंबर में किसको लिखना है, आपको ये वाला लिखना है, ठीक है, इसे दूसरे नंबर पर लिखिएगा, तीसरे नंबर में आपको जो लिखना पड़ेगा इसमें आपको देखिए आपका ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका रहा तीसरे नंबर में आपको इसको लिखना पड़ेगा, और इसके बाद देखिए आपको इसको चौथे नंबर में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए पहले आपको इसको लिखना है, फिर आपको इसको, यानी आपका देखिए पहला वाला आपका लाइन ये होगा, फिर आपका यहाँ पे ये लाइन होगा, फिर आपको ये लाइन लिखना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे ये वाला लाइन लिखना है। 18वां देखिए अधो लिखते सु पठित्व प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखना है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, तो पूरा कश्चित ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, यानी किसी ग्राम में निर्धन आपका जो गरीब एक वृद्धा स्त्री निवास करती थी, चाहे एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चाहती, उसका देखिए एक आपका यहाँ पे एक बेटी भी थी, आपको यहाँ पे इसके बारे में देखिए पूरा आपको आंसर करना है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए तो आपको क्वेश्चन जो आपको पूछा गया इसमें इसमें ग्रामे का निवसत और दुहिता की दशा आसीत, इन तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर कैसे करना है, देखिए आपको तीनों क्वेश्चन का, तो आपको पहले का आंसर देखिए ग्रामे एका निर्धना वृद्धाचा स्त्री निवसत, और दूसरे का आंसर देखिए दुहिता की दशा आसीत, तो आपको आंसर दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत, और तीसरे का देखिए माता पुत्री किम आदिशत, तो आपको देखिए माता स्थलाम तंडुलान निक्षिप्तम पात्रीम अधिशत, आपको यह आंसर करना पड़ेगा। अथवा का देखिए देखिए आपको क्या आपका इसमें पूछा गया है प्रकृति समयसाम प्रणा संरक्षणाय, आपको देखिए इसे पढ़ना है और इसमें आपको इन तीन का आपको आंसर देना है। कैसे आंसर देंगे देखिए प्रकृति केसाम संरक्षणाय वर्तते, तो देखिए आपको आंसर प्रकृति समयसाम प्राणम संरक्षणाय आपका वर्तते हो जाएगा। इसके बाद देखिए इयम कान पुष्पाणी, तो देखिए एम विविध प्रकारे सुख साधने
चा पुष्पाणी। और इसके बाद देखिए अस्या प्रमुखानि तत्वानि कानि, तो आपका देखिए पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश चा अस्या प्रमुख आपका तत्वानि सन्ति। इसके बाद देखिए 19वां आपको यहाँ पे जो है इसका आपको जो पद्यांश का आपको संस्कृत भाषा में आपको आंसर देना है। ये देखिए वृत्तम यत्नेन संरक्षित, तो किम यत्नेन संरक्षित, कस्मात छीड़ा मानव हता का एक व्यति चा, आपको देखिए इनके अगर मैं आंसर की बात करूँ तो देखिए तीनों के आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे, वृत्तम यत्नेन संरक्षित दूसरे का आंसर आपका, ये तीसरे का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका इसके अथवा का गुड़ा गुड़वेशु गुड़ा भवंती वाले का आपको यहाँ पे आंसर कैसे करना है। देखिए पहला आश्व तो तोया जलम पुत्र प्रभाति, और अगर मैं इन तीनों क्वेश्चन के आंसर की बात करूं जलम वंतापिया, देखिए पहले का अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखिए असत्तोया जलम नद्याम प्रभाति, दूसरे का देखिए जलम भवंति कुत्र कुत्रामी तो समुद्र मासाध्य भवंत अपिया हो जाएगा। देखिए तीसरे का आंसर गुड़गेशु इति पदे का धातु बचना, देखिए सप्तमी भक्ति आपका यहाँ पे बहुवचन यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 20वां क्या दिया गया है अधोलिप्तेशु नाट्यांशम, इसका आप देखिए पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, इसके चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर। देखिए तो आपको इसके आगे आपको जो दिया गया है आपका यहाँ पे ये दिया गया है, देखिए इसमें आपको आंसर देना है। यहाँ पे आपका देखिए ये रहा तो मल्लिका पूजा सखीवी कुत्रगत क्षति इसमें दुदोहनम परिपालय, देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पहले का आंसर आपको लिखना है आपका यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर सखीवी सह गच्छति इसमें, दूसरे का धेनु दुग्धोहनम परिपालय, तीसरा वयम सप्ताहांते प्रतिगच्छामि, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो 20वां आता है यहाँ पे आपका ये देखिए पूरा आपको इसका आंसर आपको जो है यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये मिल गया, और इसके जो आपका पूरा कश्चित ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्थित, देखिए आपको इसका आंसर कैसे करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन वृद्धा स्थिति कैसे दिखती थी, तो देखिए आपको यहाँ पे निर्धन हो जाएगा, और दूसरा देखिए वृद्धा दुहितम की दर्शी आसित, तो आपको देखिए आपको यहाँ पे विनम्रा हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए आपको इसके तीसरे क्वेश्चन का आंसर पुत्री माता किम आदिदेव, तो देखिए आपको आंसर सूर तापे तनुलान खवेग्यो रक्षा, और चौथे का आंसर देखिए किश्चित काला अनंतरम किम अभवत, तो आपको आंसर देखिए एको विचित्र काका समुंडी ताम हो जाएगा उपाजगाम, और पांचवे का आंसर देखिए छठा और सातवां आपको देखिए सभी का आंसर एकाग्रामे निर्धनाम और आपका विनम्रा, इस प्रकार आपको सभी आंसर करना है। और इसके बाद देखिए 21वां यहाँ पे अपठित गद्यांश का आपको देखिए इसका आपको उत्तर देना है। उत्तर कैसे आप देंगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा चार क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर कैसे करना है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जन्मस्थानम किम, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा ना केरल प्रांते कालंडी नामक ग्रामे अभवत, तो आपको देखिए वही आपको आंसर करना है, देखिए कांडी नामक ग्रामे अभवत। दूसरा देखिए शंकराचार्य पितृ नाम किम आसीत, तो देखिए आंसर शंकराचार्य पितु नाम श्री गुरु आसीत। और तीसरा देखिए माता कस्य पालनम पोषणम अक्रोत, तो माता पुत्र से पालनम पोषणम आपका अक्रोत हो जाएगा। कालंडी नामक ग्रामे कस्मिन प्रांति अस्ति, तो देखिए आपको केरल प्रांति आपको अस्ति कर देना है। इसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन आपका 22वां देखिए, देखिए तो ये रहा क्वेश्चन आपका 22वां, स्वप्रचार्य से कृते अवकाशम प्रार्थना पत्रम लिखा, चार नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसमें आपको देखिए सिंपल तरीके से आपको आंसर करना है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैसे आंसर करेंगे देखिए आपका ये रहा, तो देखिए सेवायाम क्वेश्चन 22 का आंसर आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, सेवायाम माननीय प्रचार महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देखिए आप जो भी जगह से हैं आप लिख सकते हैं। विषय देखिए अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदय सबने निवेदनम अस्ति अहम अद्य सहसा जोड़पीदो अष्टमी अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, आपको ये पूरा लिखना है। और कक्षा आपका देखिए यहाँ पे आप नवमी कर दीजिएगा, दिनांक गुणांक आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और आपको देखिए 22 का आपको अथवा का अग्रजत से विवाह आमंत्रण के लिए आपको मित्र को एक पत्र लिखना है, देखिए 22 का आपको अथवा का जो आंसर है ना आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देखिए ये रहा पूरा आंसर आपको इसी प्रकार करना है। देख लीजिए आपको जगह पहले लिखना है प्रिय रंजन सप्रेम नमः मम भगिन्या शोभायाम विवाह अस्त मासस पंचमा तारीख, 5 तारीख को मेरी बहन का विवाह है, अहम तुम सादरम आमंत्रित, मैं तुम्हें जो है सादर आमंत्रित करता हूँ, आप सब परिवार हमारे विवाह में यहाँ पे घर पर पहुँचे, भवदी मित्रम प्रेम प्रकाश जैना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 23 आपको देखिए, इसमें आपको एक संस्कृत भाषा पर आप निबंध आप लिखेंगे, ठीक है संस्कृत भाषा में आपको निबंध लिखना है, चाहे आप संस्कृत भाषा महत्व पर लिखिए, पर्यावरण पर लिखिए, मम प्रिय कवि पर लिखिए, अस्माकम भारत देशे पर, तो देखिए सिंपल सा आपको संस्कृत भाषा का आंसर दे रहा हूँ, 9th हो 10th हो अर्धवार्षिक हो आपका वार्षिक हो सभी में आपके क्वेश्चन आने हैं। देखिए तो आपको जो है ना इसका आंसर संस्कृत भाषा महत्व को कैसे करना है चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए आपको सिंपल तरीके से आपको लिखना पड़ेगा संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः सर्वोत्तम साहित्यम संयुक्त शास्त्री
इसी प्रकार देखिए आपका दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, तीसरा पॉइंट सर्वे जना संस्कृत भाषा एवं बदंती, इसमें आपका ये चौथा पॉइंट दिया है, पांचवा पॉइंट ठीक है, और आपका छठा ऐसा भाषा राष्ट्र से एकम साध्य थी, और इसके साथ आपको सातवां आठवां नवा दसवां ग्यारहवा बारहवा तेरहवा चौदहवा, आप चाहो 10 पॉइंट कर लो या फिर आप चाहो तो पूरे 14 पॉइंट ही आप इसमें लिख सकते हैं। अर्धवार्षिक त्रैमासिक सभी एग्जाम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। इस प्रकार देखिए हमने पूरे आपके 23 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं, और आई होप आप जो है ना आप आसानी से पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आएंगे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो पर। इससे पहले आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो जीत मिडिल क्लास को आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके भी जरूर जाना है। जय हिंद जय भारत।